ब्रिटेन हाईकोर्ट से भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को झटका, भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने का आवेदन खारिज। एलोपैथी पर विवादित बयान के बाद बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, देशभर में दर्ज FIR में राहत की मांग। 17 जुलाई को होगी JEE मेंस की परीक्षा, 14 अगस्त तक रिजल्ट किया जाएगा घोषित। MP में सुधर रहे कोविड से हालात, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। धार के आदित्य राज नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े में मामला दर्ज, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं स्वाति चौधरी। और अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में अल्प प्रवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों के यहां दिवंगतों के परिवारजनों के बीच शोक व्यक्त करने के लिए वो पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों में कहा कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह के नेतृत्व में पहली और दूसरी लहर का मुकाबला देश ने कर्मठता से किया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नामदारों की है और भारतीय जनता पार्टी कामगारों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अपने रक्षा के पद पर नहीं, केवल अपने राजनीति के पद पर है। और वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के ताजा हालातों के बारे में मीडिया से बातचीत की है, जहां उन्होंने बताया कि इस वक्त प्रदेश में कोरोना के हालात सामान्य हो रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो कुल 84 मामले सामने आए हैं और 275 ठीक होकर के लोग घर वापस जा चुके हैं। वहीं हम टेस्ट के लिए कोई कमी नहीं आने देंगे, कहना है नरोत्तम मिश्रा का। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के तालिबानी ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह इस देश में वो विषय ढूंढते हैं, वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 84 प्रकरण आज कोरोना के नए आए हैं और 275 ठीक होकर अपने घरों के लिए सकुशल गए हैं। संक्रमण दर 0.12% रह गई है और रिकवरी की रेट दर हमारे यहां पर 98.7 है। 65,869 टेस्ट कल किए गए। जैसी आपने आशंका बताई थी बढ़ने घटने की, हम टेस्टों में कोई कमी नहीं आने देंगे। 70,000 के आसपास टेस्ट होते रहेंगे। जहां भी कोरोना सर उठाने की कोशिश करेगा उसे कुचलने की पूरी कोशिश सरकार करेगी। और वहीं सिंगरौली जिले में BJP के देवसर विधायक सुभाष वर्मा ने की दरियादिली देखने को मिली है। दरअसल उन्होंने दो घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल तक पहुंचाया। बता दें कि देवसर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से अपने घर की ओर जा रहे थे, उसी दौरान जरहा गांव में बीच सड़क पर बरगवा निवासी रमेश पाल और उसका एक और साथी अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल होकर के बीच सड़क पर पड़े हुए थे। जब वहां से विधायक का काफिला गुजरा तो विधायक सुभाष वर्मा की नजर घायलों पर पड़ी। विधायक ने स्वयं गाड़ी से उतरकर घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। और वहीं धार की कुशी के आदित्य राज नर्सिंग कॉलेज की विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को लेकर के उसके संचालक दीपक जोशी के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज हो गया है। नियमों में छेड़छाड़ को लेकर के पूर्व धार CMHO डॉक्टर RC पनिका को भी कलेक्टर कार्यालय से कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। दरअसल कुशी में बहुत बड़ा नर्सिंग कॉलेज का घोटाला सामने आया है। इसमें किराए के भवन में अस्पताल संचालित होना बताया
बता दिया गया है, जबकि जांच में वहां पर अस्पताल नहीं मिला और ना ही कोई अस्पताल संचालन संबंधी सुविधाएं और सामग्री मिले। यहां तक कि मानव संसाधन के नाम पर भी सरकारी कार्रवाई की गई थी। इस मामले में कलेक्टर के माध्यम से जांच करवाई गई है। एसडीएम द्वारा इस पूरे मामले में विशेष रूप से जांच की गई थी। का एक पत्र प्राप्त हुआ था बीएमओ कुक्सी के माध्यम से, और जिसमें आदित्य राज नर्सिंग सेंटर है कुक्सी का, वो फर्जी तरीके से संचालन करने और उसमें जो नॉर्म्स होते हैं नर्सिंग होम के लिए वो नॉर्म्स फॉलो नहीं करना और फर्जी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट बताने का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें आदित्य राज नर्सिंग होम के जो संचालक हैं दीपक जोशी, उनके खिलाफ धारा 420 भारतीय दंड संहिता और मध्य प्रदेश उपचार जो अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया है। और इसी खबर पर धार से हमारे संवाददाता घनश्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम, देखिए पूरा ये मामला जो है वो सबके सामने आ चुका है कि एक नर्सिंग होम है लेकिन वहां पर जो उसको बताया जा रहा है लेकिन वहां पर वो स्थित नहीं है और ना ही उससे संबंधित किसी भी तरीके की सामग्री या उपकरण वहां पर पाए गए हैं। अब कारण बताओ नोटिस सामने आया है, क्या ताजा अपडेट इस मामले पर? जी, ये पूरा मामला धार जिले के कुक्सी तहसील का है, आदित्य राज नर्सिंग होम कॉलेज का है, जहां विभिन्न प्रकार की त्रुटियां पाई गई है। संचालक दीपक जोशी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। धार के पूरे सीएचएमओ पनिगार को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो इन्होंने जो संचालन किया था वहां पर कुछ भी नहीं मिला है, कोई भी सामग्री नहीं मिली है। बिल्डिंग को खाली पाया गया है। कलेक्टर ने जांच यहाँ पर निकाली थी, एटीएम मामले की जांच कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम। तो हमारे संवाददाता घनश्याम हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी देते हुए कि क्या कुछ एक्शन दिया गया है, आपको बता दें कलेक्टर की तरफ से। और वहीं गुना जिले के आरोन उप पंजीयक कार्यालय में एक बार फिर घोर लापरवाही सामने आई है। यहां बीते दिन रजिस्ट्रार कार्यालय से गायब मिले और एक प्राइवेट कर्मचारी रजिस्ट्री करता हुआ मिला, जिसको विभागीय नियम कायदों की ठीक से जानकारी तक नहीं थी। जानकारी के अनुसार गुना में पदस्थ भीकम साहू को आरोन उप पंजीयक कार्यालय का प्रभार दिया गया है, पर वो कई बार ऑफिस से गायब रहते हैं। वो हमेशा इसी तरह शासकीय नियम कायदों की अवहेलना करते हुए लापरवाही बरतते हैं। वहीं जब मामले पर रजिस्ट्रार बीकम साहू से कारण पूछा गया तो वो मीडिया कर्मियों को रौब दिखाने लगे और सत्ता की धौंस दिखाने लगे। तो कार्यालय से रजिस्ट्रार नदारद मिले और ये कोई पहला मामला नहीं है। यूं तो लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए होती है लेकिन जब सरकारी नौकरी पर वो आ जाते हैं, सरकारी नौकरी उनको मिल जाती है, उसके बाद वो लगातार इसी तरीके से दफ्तरों से गायब रहते हैं और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जालम सिंह हमारे संवाददाता ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जालम, क्या कुछ अब एक्शन लिया गया है, क्योंकि जो जिसको वहां पर होना चाहिए था, जो वहां पर जो अफसर है उनको वहां होना चाहिए था, उसकी बजाय कोई और शख्स मौजूद है और जिसको ना वहां का कामकाज आता है ना नियमावली उसको पता है कैसे काम हो रहा है। क्या कुछ अपडेट इस मामले पर और क्या एक्शन लिया गया है? जी, इसमें देखा जाए तो आरोन के जो रजिस्ट्रार मौजूद है वो अधिकतर विभाग से बोल देते हैं और उनके ना होने के कारण और या उनकी सम्मिलित है ये चीज चलती रहती है सारी। और जब हमने इस मामले को लेके उनके वरिष्ठ अधिकारी जिला मुख्यालय से हमने बात की पाल साहब से, तो पाल साहब का भी उचित जवाब नहीं रहा, उनका भी एक रॉक के तरीके से जवाब दिया गया उनके तरीके। आपने जब उनसे बात की तो उन्होंने ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया, तो क्या इस बारे में, क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट आई है, तमाम आला अधिकारियों तक भी रिपोर्ट पहुंची होगी, क्या कुछ एक्शन उनकी तरफ से या क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया है कि अभी शिकायत सामने आई है तो कुछ एक्शन लिया जाएगा? अभी विभाग की ओर से या जिला मुख्यालय की ओर से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अब आगे देखना होगा, पहले भी इसी तरीके के उल्टे झंडे का भी मतलब निकला था, उन्होंने ऐसे किया था, उनपे भी लीपापोती कर दी गई थी कार्रवाई से। तो यार बहुत शुक्रिया आपका जालम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से सरकारी तंत्र है वो चल रहा है, जहां पर लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जो ये सिस्टम है जिससे आम जनता परेशान होती है इसको ठीक किया जाए, लेकिन शिकायत मिलने के बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब जनता को लाभ पहुंचाने के लिए चलाई गई है, पर अभी भी कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो इस योजना से वंचित हैं। ऐसा ही एक नजारा नगर के अलीपुर मीरपुरा वार्ड 3 की उधम सिंह बस्ती में स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में देखने को मिला, जहां कॉलोनी के गरीब लोग आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं और अपने कच्चे मकानों के निर्माण को लेकर के आवास योजना के लाभ की माट चौंते नजर आ रहे हैं। मगर शासन प्रशासन अपनी मनमानी का परिचय देने से बाज नहीं आ रहा है, जिससे कि गरीब अपने मकानों के निर्माण की राशि नहीं मिलने से शासन और प्रशासन की चौखटों पर गुहार लगा लगा कर थक गए हैं। वहीं वरिष्ठ युवा कांग्रेस नेता घनश्याम जांगड़ा कॉलोनी में निवासरत लोगों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और जल्द योजना का लाभ दिलाने की मांग की गई। वार्ड क्रमांक 3 में कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिल चुकी है, लेकिन ये लोग अति गरीब और अति पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इनके सबके कच्चे मकान है जो कि जर्जर अवस्था में है, कभी भी गिर सकते हैं। और इन लोगों ने पिछले 2-3 वर्षों से आवेदन नगर पालिका में कर रखा है, लेकिन कागजों के नाम पर इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा नहीं मिली है। हमने माननीय SDM महोदय को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अतिशीघ्र इन लोगों को। वहीं रीवा का कृषि कार्यालय समय खंडहर भवन में संचालित हो रहा है। जर्जर हो चुके इस भवन में जान जोखिम में डालकर कर्मचारी काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, उसके बावजूद भी भवन की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कई बार इसके सुधार के लिए PWD विभाग को पत्र भी लिखा गया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दरअसल शहर के अंदर कमिश्नर कार्यालय के नजदीक कृषि विभाग का संभागीय कार्यालय संचालित हो रहा है। कृषि कार्यालय के लिए करीब 4 वर्ष से नए कार्यालय की व्यवस्था नहीं की जा सकी है, जिसके चलते ये एक गंभीर समस्या बनी हुई है और कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस जर्जर भवन में काम करने को मजबूर हैं। कई बार इसकी मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को पत्र भी भेजा गया, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वहीं अगली खबर भी धार से। धार जिले के मनावर में रुई से भरी 100 गठरियों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। 5,000 के इनामी इमरान मंसूरी को गिरफ्तार करने में मनावर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि आरोपी ने 7 मई 2019 को 38 नंबर हाईवे पर ट्रक खड़ा कर रुई की गठरियों से भरे ट्रक से रुई में हेराफेरी कर बीमा क्लेम हासिल करने के लिए योजना बनाई थी, जिसमें आरोपी ने ट्रक में रुई के गठरियों में फेरबदल कर दिया और खराब रुई भर के ट्रक में आग लगा दी। आग लगाकर घटना की सूचना देने के लिए आरोपी इमरान मंसूरी पुलिस चौकी बाकानेर पहुंचा और पुलिस को बताया कि ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, जिससे रुई से भरा ट्रक जल करके खाक हो गया। सूचना पर पुलिस ने आगजनी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ है। पर आरोपी तब से फरार चल रहा था, जिसे अब पकड़ने में पुलिस ने सफलता पाई है। और वहीं रीवा में खाकी को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आधी रात एक युवती को अर्धनग्न डायर 100 वाहन में बैठा करके जलील किया, उसे जाति सूचक गंदी गालियां और सरेआम बेइज्जत किया। लड़की गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पुलिस को उस पर रहम नहीं आया। मामले का वीडियो बनाया गया और वायरल कर दिया गया। दरअसल इस युवती को बस में संदिग्ध हालात पर पुलिस ने पकड़ा था। पूरा मामला रीवा जिले के शाहपुर कस्बे का है, जहां रात 1 बजे संदिग्ध हालात में एक युवक युवती पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस भी गंदी हरकतों पर उतर आई। एक पुलिसकर्मी ही युवती के थाने में हैवानियत करने की बात कहता रहा और दूसरा वीडियो बनाता रहा। बेशर्मी की हद तब पार हो गई। आपको बता दें कि जब पुलिसकर्मियों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, वहीं लड़की को अधूरे कपड़ों में ही थाने ले जाया गया। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। हाँ, कल रात्रि में 100 डायल के माध्यम से थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरह से किसी बस में कुछ घटनाक्रम है। उस आधार पर 100 डायल वहाँ पहुँची थी मौके पर, और 100 डायल के द्वारा देखा गया कि उसमें एक लड़की और एक लड़का है, साथ में बस का ड्राइवर स्टाफ भी है। तो उनको लेके थाने पहुंची थी, लड़की के साथ कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए उसकी सुरक्षार्थ को ध्यान में रखते हुए।
और उसके बाद लड़की से पूछा गया कि, तो लड़की ने किसी तरह की कोई रिपोर्ट करने से मना कर दिया था, तो लड़की को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। साथ में जो लड़के वहाँ पाए गए थे, थोड़ा सा जो जानकारी मिल रही थी वीडियो वायरल के आधार पर, उनका 151 कर दिया गया पुलिस के द्वारा। और इसकी जो विस्तृत जाँच के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने एडिशनल एसपी महुगंज को बोल दिया है कि उसको। और वहीं रतलाम में बीती रात एक युवक पर चाकुओं से हमला करके उसे घायल कर दिया गया। युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन अभी इस चाकूबाजी हमले का कारण अज्ञात है। दरअसल शहर के वेद व्यास कॉलोनी निवासी आमिर रात में खाना खाने के बाद मोहल्ले में टहल रहा था, तभी कुछ युवक आए और आमिर पर उन्होंने हमला कर दिया। आरोपियों ने धारदार हथियार से गर्दन और गाल पर हमला किया और मौके से भाग निकले। घायल आमिर को देर रात इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज इस वक्त चल रहा है। हालांकि बयान न देने की स्थिति के कारण अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि इस हमले का असल में कारण क्या था और बदमाश कौन लोग थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये है जो हार्ट रोड चौकी के सामने वेद व्यास कॉलोनी में कहीं कोई आमिर नाम का लड़का है, उसके साथ में कोई किसी मामले के लेकर मारपीट हुई है और उसके थोड़ा गले वले में कहीं चोट आई है। और अभी वर्तमान में क्या है कि हम उनको ले भी आए हैं, कैसे कौन है क्या है वास्तव की स्थिति जानने के लिए हम बता देंगे और क्या कंडीशन है वो कार्रवाई कर देंगे। और वहीं अगली खबर भी रतलाम से ही है। रतलाम में एक 52 वर्षीय बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुजुर्ग के पास से एक डायरी मिली है। वहीं मृतक के पुत्र ने बताया कि पिता लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से परेशान थे। दरअसल मामला रतलाम के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 52 वर्षीय बुजुर्ग भरत का सुबह अपने घर में फंदे से झूलता हुआ शव मिला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को जिला अस्पताल ले जाया गया और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है फिलहाल शव को। वहीं मृतक भरत के पुत्र ने बताया कि पिता ठेकेदारी का काम करते थे, 2 साल से लॉकडाउन के कारण परेशान थे और आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे और इसी के ही दबाव में उन्होंने आखिरकार मौत को गले लगा लिया। और वहीं गुना के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत किले में ऊपर एक नाबालिग लड़के की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस मामले में प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत किले में एक नाबालिग लड़के की खून से लथपथ लाश बैठी हुई अवस्था में मिली। लड़के के सर पर गहरा घाव मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुना से FSL टीम मौके पर पहुंच गई है। FSL अधिकारी RC अहिरवार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। चोर चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, 2 आरोपी खजराना क्षेत्र के शहीद पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल पर संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं, जिसके बाद बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जहां से आरोपी तौकीद उर्फ सलमान और राजेश को गिरफ्तार किया और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। थाना खजराना में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर लगातार जो है वाहन चोरों पर निगाह रखी थी और वाहन चोरों को पकड़ने के सतत प्रयास किए थे। उसमें हमारी टीम को सफलता मिली है और 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 5 चोरी के वाहन बरामद हुए हैं। इसमें मुख्य आरोपी है तौकीद उर्फ सलमान पिता मजीद और एक राजेश पिता मांगीलाल, ये दोनों खजराना क्षेत्र के रहने वाले हैं, नवयुवक है। और इनके पास से जो गाड़ी मिली थी वो चोरी की गाड़ी थी। चोरी की गाड़ी मिलने पर इनसे जो पूछताछ की गई और इनका भी हम लोगों ने पुलिस रिमांड में लिया। और वहीं गुना कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक 2 दिन से गायब था, जिसके पेड़ से लाश झूलती हुई मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चक चौरौल के चंपालाल अहिरवार का बेटा शिशुपाल अहिरवार बीती 20 तारीख से घर से बारात में जाने को कह करके निकला था, लेकिन बारात में पहुंचा नहीं और 2 दिन तक उसकी लाश गांव के पास से खेत के बमूल के पेड़ पर लटकी रही। खेत मालिक ने अपने खेत में कार्य करना शुरू किया तो उसे लाश दिखाई दी, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गुना के फतेहगढ़
वन भूमि में अवैध खनन में लगी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके बाद ड्राइवर बाल बाल बच गया। बता दें कि इस वक्त वन विभाग की मिलीभगत के जरिए खुलेआम अवैध खनन और परिवहन चल रहा है और जिम्मेदार अफसर लापरवाह बने हुए। जानकारी के अनुसार प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी फतेहगढ़ की देखरेख में जेसीबी मशीन व दर्जन भर ट्रैक्टर अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से प्रशासन की पोल खोल कर रख दी गई। और इंदौर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में अवैध मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त करने वाले आरोपियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में परदेशीपुरा थाना पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 30 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक ब्राउन शुगर की डिलीवरी देने के लिए राजकुमार सब्जी मंडी में खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम प्रवीण निवासी मुसा खेड़ी बताया, साथ ही बताया कि वो ब्राउन शुगर रतलाम और जावरा से लाता है और ज्यादा दाम में इंदौर और आसपास के इलाके में बेचता है। इंदौर जिले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एनडीपीएस कार्रवाई के तहत में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कल दिनांक को एक आरोपी है प्रवीण पिता प्रताप मोहनिया निवासी मुसा खेड़ी का है। इसको राजकुमार सब्जी मंडी के यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 20 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है जो करीब 1.5 लाख रुपए कीमती है। ये आरोपी जावरा रतलाम से यहाँ पे लेके आता था और इसको अधिक दामों में बेचने का प्रयास करता था। इसके पहले 34-2 के आबकारी के मुकदमे कायम हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।